सहारनपुर के बेहट में नकाबपोश बदमाशों ने एक परिवार पर जमकर कहर बरपाया। सीढ़ी लगाकर मकान में घुसे आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती डालते हुए करीब 1.5 लाख की नकदी व लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार के 3 सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी, फोरेंसिक और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरा मामला कोतवाली बेहट इलाके के गांव साधोली कदीम के पास गांव भोजपुर निवासी फरमान व रहमान पुत्र अब्दुल सलाम के घर का है। कल देर रात्रि थाना बेहट को सूचना प्राप्त होती है कि साधोली कदीम में एक घर में कुछ लोगों द्वारा दीवार कूदकर अंदर एंटर किया जाता है और वहां पर जो मेंबर्स हैं उनके साथ मारपीट करते हुए और लूटपाट की घटना कारित की जाती है। वादी द्वारा अपनी तहरीर में बताया कि उनसे उनके घर से करीब 1,10,000 रुपये और कुछ आभूषण जो है वो लूटपाट करके और उनको घायल करते हुए वहां से भाग निकले हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना बेहट पुलिस की टीम एवं वरिष्ठ अधिकारी एवं फॉरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है और जो इंजर्ड है उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें पुलिस की 4 टीम्स का गठन किया गया है और इसमें आसपास के CCTV भी देखे जा रहे हैं। शीघ्र ही जो भी इस घटना में अभियुक्त हैं जिन घटना में शामिल है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी एवं घटना का अनावरण किया जाएगा। सर बताया जा रहा है कि 4 लोग ज्यादा गंभीर हैं जिनको चंडीगढ़ आ रहा है। नहीं, इसमें टोटल 3 लोग ही इंजर्ड थे, 2 लोग बिल्कुल ही सामान्य रूप से इंजर्ड थे जिनको रात में ही डिस्चार्ज किया गया था। जो और जो इसमें वादी का छोटा भाई है उसको सर में रॉड से उन्होंने हमला किया था जिसके बाद उनको CHC के बाद मेडिग्राम हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। उसके बाद वहां पर उनकी स्थिति अभी सामान्य है और उनके जॉ में एक फ्रैक्चर बताया गया है, बट स्थिति अभी सामान्य है। सर क्या मौके से कोई सहारनपुर के मां शाकंभरी देवी में आज अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन एवं पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर रेंज द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के साथ सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मेला परिसर का भ्रमण किया गया। मेले में आमजन की सहायता के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम एवं मिशन शक्ति पिंक बूथ का निरीक्षण भी किया एवं मेले की व्यवस्थाओं, बैरिकेडिंग आदि का जायजा लेकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। माता की सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि मेला परिसर में पॉलिथीन का प्रयोग वर्जित है, पॉलिथीन का प्रयोग न करें अन्यथा पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के जुबली पार्क में श्री कृष्णा राम नाटक क्लब के तत्वाधान में हरीश भटेजा के निर्देशन में रावण अगध संवाद का सुंदर मंचन दिखाया गया, जिसमें युवराज अगध द्वारा प्रभु श्री राम के आशीर्वाद लेकर रावण के दरबार में पाव जमाना सबको बहुत भाया। अगध का जानदार अभिनय साजन गंगा ने किया और रावण कमल मल्होत्रा बने। लीला के प्रारंभ में प्रधान महेंद्र तनेजा, महामंत्री विवेक दुआ, रथ सारथी दिनेश खन्ना, पूर्व सांसद राघवल खनपाल शर्मा, पुनीत त्यागी, विश्वजीत सिंह पुंडीर, राजकुमार नरूला, रम्मी धवन, साजन गंगा, नीरज कामरा आदि ने प्रभु श्री राम जी की आरती की। माता है, उसे भी डालेंगे और बड़ा निरीक्षण आता है, हम उसे यहाँ भिजवा देंगे। जितनी हानियां हुई अब तक उन सब को तहम भर देंगे, पर एक भी महाहानि उसे कैसे पूरी कर देंगे। जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, अरे वो सुखना का की कटी नाच कैसे चोरी जाए। रोहनर तो बहुत ही ठीक मालूम पड़ता है, बढ़ बढ़कर बातें करता है, जरा बता दो पूरे वनतन में। सहारनपुर में भाजपा विधायक और याचिकाकर्ता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरकारी अस्पताल में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट में PIL दाखिल करने वाले अशोक पुंडीर पर 27 सितंबर को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया।
किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने याचिकाकर्ता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा किसी प्रकार से दबाव में आने की जरूरत नहीं है। यदि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि बिना वजह दबाव बनाते हैं तो उनसे निपटा जाएगा। कोर्ट में केस है, वहीं पर अपना पक्ष जनप्रतिनिधि रखे। देखो ये ना मामला वैसे तो काफी लंबे समय से चला हुआ है। अशोक कुमार जी ने एक शिकायत करी थी अपने आदरणीय माननीय विधायक देवेंद्र निम जी की कि उन्होंने अपने माताजी के नाम पे एक फॉर्म बनाई और उसमें उन्होंने काम करवाया लेकिन काम हुआ नहीं, तो उन्होंने उसकी शिकायत करी। शिकायत करने के बाद उस पर संज्ञान नहीं हुआ, कोर्ट चले गए। कोर्ट में उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद माननीय विधायक जी ने बार बार लगातार अशोक कुमार जी पर दबाव ये है कि आप इसमें फैसला करो। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि यदि वो ईमानदार हैं, उनके किसी प्रकार का घपला नहीं है, घोटाला नहीं है, तो वो ये साक्ष्य कोर्ट में दें। 4 नवंबर की तारीख है, वो जितना प्रेशर यहाँ से अशोक कुमार जी पर लगा रहे इतना माननीय न्यायालय में लगावे, क्योंकि यदि वो साफ है तो उन्हें बिल्कुल 100% वहां अपना साक्ष्य देना चाहिए। हाँ, मैं एक बात पत्रकारों के माध्यम से जरूर कह रहा कि यदि वो वहां साक्ष्य देने में और निर्दोष साबित हुए तो मेरा अशोक कुमार जी से कोई मतलब वास्ता नहीं, लेकिन यदि वो दोषी हैं और दोष सिद्ध होने के बावजूद भी वो अशोक कुमार पे इस बात का प्रेशर बनावे कि आप फैसला कर लो नहीं तो आप पे झूठे मुकदमे लगवा देंगे, ये करवा दें, तो वो अपने दिमाग में से निकाल दें।